World of Voices. Voices. गुड मॉर्निंग ओबियोस, गुड मॉर्निंग टीम ओएसिस। टुडे वी आर मेट हियर फॉर अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आर यू मेकिंग दिस मिस्टेक्स? क्या आप ये गलती कर रहे हो? क्या आप ये गलती दोहरा रहे हो? क्या मिस्टेक है उसके ऊपर ही हमारा आज बात होने वाला है। एंड इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो नए जो आए होते हैं जस्ट ओएसिस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो भी ये गलती करते हैं। एंड ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बट क्या आप वो मिस्टेक कर रहे हो? एंड वो मिस्टेक हो रहा है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, वही आज हमारा बात होने वाला है। सो व्हाट इज दिस मिस्टेक? मिस्टेक इज, आर यू साउंडिंग लाइक अ सेल्समैन? क्या आपका जो बातें है वो सामने वाले को एक सेल्समैन जैसा बातें लगता है? मींस उसका मतलब क्या है? मींस क्या आप ये मिस्टेक कर रहे हो? आर यू साउंडिंग लाइक अ सेल्समैन, उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मीनिंग है जैसे हम हमारे काम में करते हैं इन्विटेशंस, प्रेजेंटेशंस, फॉलोअप, जैसे हम हमारा वर्क करते हैं। तो मान लो हम कॉलिंग कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं गेस्ट को फॉर द प्रेजेंटेशन और फॉर द वेबिनार और फॉर द सेमिनार, जो भी है हम उनको कॉल कर रहे हैं। एंड अगर हम कॉल करके बोलते हैं कि मैंने एक चीज ज्वाइन किया है, उसमें ये प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट से ये होता है, ये प्रोडक्ट से वो होता है, यहाँ से बहुत लोग आगे बढ़े हैं, मतलब क्या है? चालू किया और हमने बेचना चालू कर दिया, राइट? हमने फोन किया, सो यहां पे जैसे लिखा है, आर यू फोकस्ड ऑन द कंपनी, प्रोडक्ट्स, यू, और आर यू फोकस्ड ऑन द गेस्ट एंड हिज नीड्स? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपका जो ध्यान है वो हमने, मैंने एक चीज ज्वाइन किया है, इसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत फायदा हुआ, आपका ध्यान, आर यू फोकस्ड ऑन योर सेल्फ? आपका ध्यान खुद पे है क्या? आपका ध्यान नीड्स जो है गेस्ट का वो सॉल्व करने के अंदर है? आपका फोकस आपके खुद पे है कि आपका फोकस गेस्ट पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आर यू कंसर्न्ड अबाउट यू और आर यू कंसर्न्ड अबाउट द गेस्ट? आपको आपका ही पड़ा है कि आपको गेस्ट का लाइफ में जो इंटरेस्ट लेना है? गेस्ट का मेन नीड्स क्या है? गेस्ट का मेन जरूरत क्या है? गेस्ट का लाइफ का पेन पॉइंट्स क्या है? ये बताए और जाने बिना ही हम बातें चालू कर देते, तब ऐसा होता है, यू आर साउंडिंग लाइक अ सेल्समैन, राइट? सो वर्ल्ड इज वेरी नॉइजी। जैसे हम टीवी चालू करते हैं तो एड्स चल रहा होता है, सोशल मीडिया, फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम एड्स है, यूट्यूब चालू किया उस पर एड्स आता है, रोज हमको टेलीकॉलर्स के फोन आते हैं, टेक्स्ट मैसेज के अंदर एड्स आता है, व्हाट्सएप के अंदर एड्स आता है, राइट? हम बाहर निकलते हैं तो हमको एड्स वाले बोर्ड दिखते हैं। तो दुनिया में एक इंसान को सभी जगह से कुछ लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, राइट? वर्ल्ड इज वेरी नॉइजी। नॉइजी मतलब शोर बहुत है। एंड आप भी सेम अगर बात करोगे तो आपका भी वही शोर के अंदर बातें दब जाएगा, राइट? सो अटेंशन, आप लोगों जैसा ही बात करोगे अगर आप नॉर्मल सेल्समैन जैसा ही बात कर रहे हो, ना कि एक बिजनेसमैन जैसा, ना कि एक प्रॉपर जो एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारा स्क्रिप्ट होना चाहिए, ओएसिस के अंदर हमारा स्क्रिप्ट होना चाहिए, उसके बिना तो फिर वी आर साउंडिंग लाइक अ सेल्समैन, राइट? सो अटेंशन नहीं मिलेगा तो सेल्स नहीं होगा। सो हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हाउ वी कैन रेक्टिफाई इट, राइट? गेस्ट का चैलेंजेस को एड्रेस करके, गेस्ट का पेन पॉइंट्स को एड्रेस करके, एंड एक एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड सेलिंग करके, राइट? सो अगर हम चाहते हैं कि गेस्ट का हमको अटेंशन मिले, गेस्ट हमारा बात सुने, हमारा एक्टिवेशन ज्यादा हो, हमारी टीम के अंदर एसवीज ज्यादा इंक्रीज हो, हमारा टर्नओवर इंक्रीज हो, सो एक ही तरीके से हो सकता है, व्हेन वी आर डायरेक्टली एड्रेसिंग, अगर हम गेस्ट की जो जरूरत है, राइट, गेस्ट की जो लाइफ में पेन पॉइंट्स है, उसके लाइफ में जो चैलेंजेस है, उसके लाइफ में जो दुख है, अगर हम उसके ऊपर कैसे सॉल्यूशन यहां से मिलने वाला है वो समझा रहे हैं, तो ऐसा होगा कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तो ऐसा होगा कि आपका टीम में एक्टिवेशंस
एंड टर्नओवर ज्यादा होगा। एग्जाम्पल जैसे हम कर रहे हैं कॉलिंग, हमने किसी को कॉल किया एंड हमने कॉल किया, मान लो वो स्टूडेंट है, तो हम उनको ऐसा बताए कि मैंने ये चीज ज्वाइन किया है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत लोग को आगे बढ़े हैं, मुझे फायदा हो रहा है। ये क्या हुआ, पूरा इनविटेशन हमारे ऊपर ही है कि मैंने ज्वाइन किया है। उससे अच्छा हमने गेस्ट को ऐसा बताया, जैसे देख यार अभी तू इंजीनियरिंग कर रहा है, जैसे अभी तू स्टूडेंट है, तुझे पता होगा हमारे साथ लाखों लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट, सब लोग वही इंटरनल एक्सटर्नल सबमिशन करते हैं, तो उनके कंपेयर में कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग एक प्रेजेंटेशन है। हमने क्या किया, गेस्ट को एजुकेट किया कि हमारे साथ बहुत सारे लोग सेम चीज कर रहे हैं, उनके कंपेयर में कैसे सक्सेस हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन है। ये एक पेन पॉइंट है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग सेम चीज कर रहे हैं, राइट, ये एक पेन पॉइंट है, इसका एक पूरा इन्विटेशन है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है रिगार्डिंग कैसे गेस्ट को कॉल करना है, हाउसवाइफ है तो कैसे बात करना है, स्टूडेंट है तो कैसे बात करना है, तो वो ओएसिस के चैनल पे है, तो आपको वो देखना है, तो आपका एक एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन बेस्ड कॉल हो पाएगा। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेते हैं नोनी जूस, हमने किसी को नोनी जूस के बारे में बताया तो आपने बताना स्टार्ट कर दिया, नोनी जूस है, एक्सट्रैक्ट से बना है, इसमें 21 हर्ब्स है, ये नोनी जूस से हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग है। इससे गेस्ट को क्या लेना देना है, गेस्ट हमेशा खुद को क्या सवाल पूछता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए अंदर क्या है, राइट, तो हमने उनको ऐसा बताया कि देखो 70% लोग है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, सॉइल डिप्लीशन के कारण हमारे खाने में वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे, पहले एक ऑरेंज खाने में इतना मिलता था, अभी वही चीज मिलने में 8 ऑरेंज खाना पड़ता है, हमारा लाइफ इतना फास्ट हो गया, स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया, राइट, हमारे खाने में जो है वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे, पॉल्यूशन और स्ट्रेस के कारण, इतना ज्यादा फास्ट लाइफ के कारण, आज आपको पता है 25 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक आने लगा, राइट, ये जो नोनी जूस है ये 80% बीमारी के अंदर काम करता है, ये नोनी जूस है, ये जो नोनी फ्रूट से बना है, इसमें 21 हर्ब्स है, ये 21 हर्ब्स के कारण, और नोनी इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, ऑफ बायोटिन, ऑफ फाइबर्स, ये सब चीज हमने बताया गेस्ट को, मतलब ओन मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं बताना, ऐसा नहीं है, वो बताना है बट बाद में, पहले क्या करना है, गेस्ट का जो चैलेंजेस है, कितने लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाते, गेस्ट की लाइफ के जो पेन पॉइंट्स है कि हमको खाने में से वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे, सॉइल डिप्लीशन के कारण हमको वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे, वो नॉलेज देकर जब सेलिंग होता है तो हम उसको बोलते हैं एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड सेलिंग। ये नॉलेज एजुकेशन दिए बिना अगर सेलिंग होता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप एक सेल्समैन हो खाली, आप खाली बेचने गए हो और आपको खाली आपका बीके उससे ही मतलब है, राइट, हमको बेचना है, दैट्स अ श्योर थिंग, बट गेस्ट का लाइफ इससे कैसे चेंज होने वाला है, गेस्ट का लाइफ के अंदर इससे कैसे बदलाव आने वाला है, उनका जो पेन पॉइंट्स है, राइट, उनका लाइफ में कैसे चेंज आएगा वो समझाना उतना ही जरूरी है। यस, सो हमने उनको बाद में टेस्टिमनीज बताया कि नोनी जूस से लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या मिला है, क्या क्या उनका लाइफ के अंदर इश्यूज जो हेल्थ का था, डिजीजेस था, वो अच्छा हुआ है। सो आपको पता है प्रोडक्ट्स नेवर सेल, इट्स ऑलवेज द सॉल्यूशन, राइट, विच इज द थिंग विच सेल्स। ओके, सो नोनी जूस से क्या हुआ, उससे लोगों के लाइफ में क्या चेंज आया और लेना क्यों चाहिए, उससे वो चीज सेल होने वाला है, राइट, जैसे कोटेशन है, मैच्योरिटी इज ऑल मिरर्स टर्न इनटू विंडोज, मैच्योरिटी इज ऑल मिरर्स टर्न इनटू विंडोज, मिरर्स मतलब कुछ लोग अपने आप को मिरर से घेर के बैठते हैं, मिरर मतलब आईना, खुद के ऊपर ही उनका ध्यान होता है, बराबर है, मैंने ये किया है, मैंने ज्वाइन किया है, मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए, ये है वो है, खुद के ऊपर ही बात करते रहेंगे, उसको विंडोज में टर्न कर दो, विंडोज मतलब आर पार आप ग्लास से देख पा रहे हो कि सामने वाले का जरूरत क्या है, राइट, सो गेस्ट हमेशा क्या सोचता है, व्हाट्स फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, बराबर, मेरे जीवन में इससे क्या बदलाव आएगा, मेरा खुशी इससे कैसे ज्यादा बढ़ने वाला है, मेरा भविष्य इससे कैसे अच्छा बनने वाला है, वो खाली वही चीज देखता है, राइट, सो मैच्योरिटी इज ऑल मिरर टर्न इनटू विंडो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड टेलिंग, सेलिंग और टेलिंग में डिफरेंस क्या है, जब हम लोग गेस्ट की
चैलेंजेस, पेन पॉइंट्स, गेस्ट की जरूरतों को जाने बिना बोल 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 करते हैं, उसको बोलते हैं टेलिंग। ऐसे इंसान को दूसरी बार सामने वाला मिलने नहीं आता है, उसका बात में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसका प्रेजेंटेशन बोरिंग हो जाता है। जैसे बहुत सारों का ऐसा कंप्लेन आता है, मैंने मीटिंग किया फिर वो बाद में मिलने ही नहीं आया। तो प्रॉब्लम वॉज इन योर प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम अपने मीटिंग में था। वी वेर डूइंग जस्ट टेलिंग एंड वी वेर नॉट डूइंग सेलिंग, राइट। उनका जो नीड्स है, उनका जो इश्यूज है लाइफ का, राइट, कैसे ओएसिस उनका जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा उनके फ्यूचर के ड्रीम्स गोल्स के लिए, कैसे ओएसिस उनकी नीड्स, चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स को सॉल्व करने वाला है, अगर वो हम बताएंगे तो होता है वो चीज सेलिंग एंड नॉट टेलिंग। सो आर यू साउंडिंग लाइक अ सेल्समैन? अगर आपका ये गलती हो रहा है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाओगे। टू क्रिएट अ वेरी बिग नेटवर्क, सामने वाले की नीड्स के हिसाब से अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो ही वो चीज पॉसिबल है, राइट। सो शेयर दिस वीडियो विथ योर टीम। ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक्स जो है आपकी टीम के अंदर रिपीट ना हो। एंड अवर चैनल इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर एजुकेशन मटेरियल्स ऑन डायरेक्ट सेलिंग ऑन ओएसएस। सो ये वीडियोस आपके हरे के हरे ओबीओस के साथ शेयर करना है ताकि ये सब मिस्टेक्स है वो रिपीट ना हो। एंड शेयर इट विथ योर मैक्सिमम ऑफ द ओबीओस, ओके। सो लेट्स हैव अ ब्लास्टिंग ईयर, लेट्स हैव द बेस्ट इनकम इन द ओएसएस न्यू वर्जन। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, जय ओएसएस। Welcome to the world of Oasis. Oasis. सबके साथ चलते हैं हम, हाथ से हाथ।